तो इंडियन बैकग्राउंड 3D गेम में हम लोग ट्रेन को पानी के ऊपर चलाएंगे गाइस आज, क्योंकि सुनामी आ चुकी है बहुत ही खतरनाक और गाड़ियों को चलने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पानी के ऊपर एक रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो सुबह हो चुकी है गाइस जब से मैं उठा हूँ, क्योंकि बाहर कब से आवाज आ रही है जब से मैं उठा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बाहर पानी बह रहा है। पानी इतना ज्यादा हो गया कि मुझे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है गाइस। ये क्या हो रहा है? अरे बाहर कहीं फ्लड तो नहीं आ गया गाइस? ऐसा ही लग रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है बाहर सुनामी आ चुका है। मेरे को ऐसा ही लग रहा है, पूरा पानी आगे दिख रहा है, बस थोड़ा सा जो पहाड़ वाला एरिया है ना, वहाँ पे मुझे पानी नहीं दिख रहा है। ये देखो पूरा पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, मेरा घर, यहाँ तक कि सब कुछ पानी में डूब चुका है गाइस। लगता है मैं बहुत गहरी नींद में था गाइस, रात में इतना ज़्यादा पानी गिरा ना, पूरा सुनामी आ चुका है और हमारा शहर फिर से एक बार सुनामी डूब चुका है यार भाई। लेकिन आज तो मेरे को बाहर भी जाना था, क्या करें गाइस, यहाँ तो पानी पे कोई गाड़ी भी नहीं चलेगी। लेकिन मुझे याद आया गाइस, मैंने एक ऐसी गाड़ी बनवाई थी जो पानी के ऊपर भी चल सकती है, उसका नाम है ATB बाइक्स। अगर वो मेरे गैराज में है गाड़ी तो हम लोग उससे जा सकते हैं। तो ये गाड़ी मुझे मिल चुकी है गाइस, इस गाड़ी को मैंने स्पेशली पानी पे चलने के लिए बनवाया था। ये गाड़ी आराम से पानी के ऊपर चल सकती है गाइस, लेकिन हाँ ये ज्यादा गहरे पानी में नहीं चलेगी। ओके देखते हैं चलता है कि नहीं। ओ भाई मैंने इसको पानी के ऊपर चला दिया है और ये चल भी रहा है गाइस। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले पुलिस स्टेशन देखते हैं पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या है? अरे यहाँ पे गाइस हमारे शहर के सारे जानवर डूब चुके हैं। ये डॉग यहाँ पे डूब चुका, और ये भैंस, गाइस भैंस भी डूब चुकी है। क्या चल रहा है हमारे शहर में गाइस? लगता है बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी और ये रोड पे ही होंगे। अरे ये पुलिस वाला भी डूब चुका है, ये कैसे डूबे यार, इनको तो भाग जाना चाहिए था। अरे यार देखता हूँ पुलिस वाले बचे हैं कि नहीं हमारे शहर में, कोई तो जरूर होना चाहिए। मैं चलता हूँ यार, मैं किससे बात करूँगा, नहीं होंगे तो। अरे अंदर है कोई, है एक पुलिस वाला खड़ा है गाइस, लगता है ये बच गया था गाइस। चलो इससे बात करते हैं, मैं गाड़ी आगे लगाता हूँ। फ्रैंकलिन यार हमारा पूरा शहर पानी के अंदर डूब चुका है, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग शहर में जा नहीं पा रहे हैं, कोई काम पे नहीं जा पा रहे, कोई सब घर पे ही बैठे हैं, ये सुनामी जाने में बहुत ही टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, तुम एक बढ़िया सा रेलवे स्टेशन बनाओ जो पानी के ऊपर चल सके। उसके लिए तुम्हें ट्रेन लानी पड़ेगी, ट्रेन मैं बता रहा हूँ कहाँ पर है, वो रैम के ऊपर रखी हुई है। वो ट्रेन और पटरियाँ लेकर आओ, एक ऐसा ट्रेन बनाओ जो पानी के ऊपर चल सके। ठीक है मैं जाता हूँ और उस ट्रेन को लेकर आता हूँ यार। भाई धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हमें जल्दी से उस ट्रेन को बनानी पड़ेगी। हमें पटरियाँ ऐसी लगानी होगी जो पानी के ऊपर तैर सके। पहले तो मैं ट्रेन लाता हूँ गाइज, वो सामने वाले रैम के ऊपर रखी हुई है, मुझे ऐसा ही बोला था। ये ATB चलते जा बस भाई, डूबे ना भाई। यहाँ पे बोट भी रखी हुई है, ऐसा लगता है तैरते तैरते यहाँ पर आ गई है। बाकी हमारा काम बने, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ रैम पे मैं आ चुका हूँ गाइज, ये लोग खड़े हैं क्या, ये कौन है, ये गुंडे तो नहीं है ना गाइज? अच्छा ये ट्रेन को बचा, अरे नहीं नहीं ये गुंडे ही, इन लोगों को हमें मार के बचाना पड़ेगा ट्रेन को। आधे लोग तो पानी के अंदर डूब रहे हैं, पहले इनको ही मार देता हूँ। इन दोनों को मैंने मार दिया, इसके ऊपर है इसको मारते हैं, ये ले। ये सारे लोग इस ट्रेन की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं ये लोग? मार दिया मैंने सबको भाई, लोग तो ज्यादा थे यार, कैसे मर गए? लगता है गिर के मर गए, या तो हो सकता है एक्टिंग कर रहे हैं। चेक कर लू नहीं, ये मर चुका है गाइज। चलो फिर चलते हैं ऊपर और उस ट्रेन को कलेक्ट करते हैं गाइज। तो ये रही ये ट्रेन गाइज, इसको हमको चलानी पड़ेगी, इसके लिए एक और ट्रेन लगेगी, पहले इसको ही चलाते हैं हम लोग, बाद में पुलिस वाले इसको लेकर जाएंगे हेलीकॉप्टर से। लोकेशन मैंने मार्क कर लिया है, तो हम लोग ट्रेन को ले जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमें बैटरी लानी पड़ेगी, तो हम लोग चलते हैं। तो मुझे नीचे जाने, अरे नीचे, अरे यार मैं गिर गया। अरे भाई इतनी सारी मछलियाँ, अरे भाई मछलियाँ नहीं, अरे शार्क हैं ये, तो शार्क भाई, जल्दी से भागते हैं यहाँ से। चलो चलो चलो,
लगता है मैं जब से ऊपर आया हूँ यहाँ पे बहुत सारी सार खा चुकी हैं गाइस। अरे यार ये कैसे हुआ? मैं पानी के अंदर अगर गया तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत होगी। अंदर कितनी सार के मैं देखता हूँ गाइस, दो तीन इधर भी हैं। अरे गाइस इधर भी हैं, इन सबको मुझे मारना पड़ेगा तभी मैं इसे जा सकता हूँ। लगता है ये लोग पानी से बहकर यहाँ पर आ चुकी हैं। कुछ सार्क तो मर गई हैं यहाँ पे। मैं इन लोगों को ग्रेनेड मार के बम से उड़ा देता हूँ गाइस। लो गई, सारे लोगों को मैंने मार दिया है। कोई बची है क्या? नहीं कोई नहीं बची है। हाँ सारे लोग को मैंने मार दिया गाइस। गाइस पता नहीं मेरी ATB कहाँ पे चली गई यार, मैं तो पानी में रख के आया था लेकिन जैसे नीचे गया मैं ATB गायब। लगता है पानी में बहकर कहीं पे चली गई, लेकिन मैंने बोट देखी थी उससे हम लोग जा सकते हैं। इस बोट से हम लोग जाते हैं गाइस और पटरियाँ लेकर आते हैं क्योंकि वो गाड़ी मुझे मिल नहीं रही है। तो वो पटरियाँ ना ट्रेन के साइड में बगल में कंटेनर में रखी हुई है गाइस, तो उसको जाते और लेकर आते हैं। और उन लोगों को हमें नए रेलवे स्टेशन के लिए जल्दी से लगाना पड़ेगा गाइस। और ये देखो गाइस पूरा शहर पानी में डूब चुका है यार भाई, खतरनाक पानी हो रहा है गाइस। पता नहीं हम लोग कैसे रेलवे ट्रैक लगाएंगे, बहुत ही मुश्किल होने वाला है गाइस। लगता है हम लोग आ चुके हैं गाइस, ये रैंप यही था गाइस। हाँ मुझे याद है पूरा, रेलवे स्टेशन मेरे नीचे होना चाहिए गाइस, ये रैंप के नीचे ही तो होना था। हाँ यहीं पे है गाइस। हैं ये क्या है? ओ हम लोग बहुत ही आगे चले गए थे गाइस, जो जुरासिक पार्क था। और यहाँ पे देखो बहुत सारी पटरियाँ रखी हुई हैं, तो इन सब को लेकर जाना पड़ेगा, पानी से उठवाना पड़ेगा गाइस इस कंटेनर को। वैसे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है हमको, हम लोग पटरियाँ को भी लेकर जा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। तो फाइनली हमने बना दिया है ऐसी ट्रेन जो पानी के ऊपर चलने वाली है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, आखिर हमने कर दिखाया। सारे लोग सारे जानवर इस ट्रेन के ऊपर जा सकते हैं गाइस, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं इस शहर में। ये देखो पटरियाँ कैसे मैंने लगाई है, पटरियाँ मैंने पूरा शहर में लगा दिया है। हमारे शहर का जो बीच का एरिया मैंने यहाँ पर भी लगाई है, बाकी मैंने यहाँ पर लगा दिया तो बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि यहाँ से अगर किसी को भी कहीं पर जाना पड़ेगा यहाँ से वो सब जा सकते हैं। स्टेशन बस पुलिस स्टेशन के आगे ही है, वहीं से सब लोग पकड़ेंगे, वहीं से सब लोग जाएंगे, जिसको भी नाव और वहां से उतरने के बाद नाव से जाना पड़ेगा। तो ट्रेन बिल्कुल रेडी है, ये आ चुकी है अपने पहले स्टॉप पे निकलने के लिए। चलो हम लोग देखते हैं क्या चल रहा है। ट्रेन आ चुकी है, सारे लोग अंदर बैठे होंगे। वैसे हम लोग इस ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन सबको जल्दी होगी कि मालगाड़ी से जल्दी से चलते हैं। और ये देखो सारे लोग लाइन से खड़े हैं, बस इतने ही लोग आ सकते हैं मालगाड़ी में। ये सब रेडी है निकलने के लिए, और पीछे कुछ जानवर भी है जिनको हमने यहाँ पे रख लिया है। तो ये भी ट्रेन कुछ देर में जाने वाली है, वैसे हम लोग इस ट्रेन से चलते हैं और टूर भी कर लेंगे। और पानी के ऊपर जब ट्रेन चलेगी तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ट्रेन रेडी हो चुकी है और निकल भी चुकी है, और हम लोग इसके ऊपर सवार हो चुके हैं और चलते हैं गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मज़ा आया तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय गाइस।